व्हाट्स अप गाइस, आज के इस कार्यक्रम में हम सीखेंगे कि रिएक्ट में हम एक्सपेंड और कोलैप्स कैसे इंप्लीमेंट करें बूटस्ट्रैप का यूज करके। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। सो गाइस, सबसे पहले हम नेसेसरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देते हैं। तो हम आइकॉन्स के लिए यूज करेंगे मटेरियल यूआई। तो सबसे पहले मटेरियल यूआई को इंस्टॉल करते हैं। ओके, सो सर्च मारते हैं मटेरियल यूआई। Get started। अपने को चाहिए आइकॉन्स, तो आइकॉन्स वाले को कॉपी कर देते हैं। कॉपी कर दिया और इसे पेस्ट करके एंटर कर दिया। ओके, और अपने को चाहिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो उसको भी देख लेते हैं। सो रिएक्ट बूटस्ट्रैप, सो रिएक्ट बूटस्ट्रैप, गेट स्टार्टेड, और इसे भी इंस्टॉलेशन कर देते हैं। इसका भी कंट्रोल सी, और अच्छा हो गया, और इसे भी पेस्ट कर देते हैं। अब हम इसका डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। React Bootstrap collapse, this one। So guys, this one हम ये वाला इंप्लीमेंट करने वाले हैं। जैसे क्लिक मारेंगे expand collapse। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि ये फेड वाली एनिमेशन ऐड हो तो आप ये भी कर सकते हो, छोटा सा डिफरेंस है। सो गाइस, हम ये ऊपर वाला इंप्लीमेंट करेंगे। सो चलते हैं app.js के अंदर, और div का नाम दे देते हैं क्लास नेम, देते हैं मेन, और हम यहाँ पे ऐड करते हैं वेरिएबल ओपन, सेट ओपन इक्वल टू यूज स्टेट, और उसको फॉल्स। हम इसकी हेल्प से ये देखेंगे कि वो एक्सपेंड है या कोलैप्स है। तो डिफॉल्ट एक्सपेंड फॉल्स रहेगा, तो इसे भी फॉल्स रखते हैं। और अब हम क्या करते हैं, जो हम आइकन्स की ज़रूरत है उसको इंपोर्ट कर देते हैं। तो हम जाते हैं मटेरियल यूआई पे। सो मटेरियल यूआई आइकॉन्स, मटेरियल यूआई आइकॉन्स, ओके, अपने को चाहिए एक तो एक्सपेंड वाला। सो लिखते हैं, सर्च करते हैं यहाँ पे, ओके, एक्सपेंड लेस एंड एक्सपेंड मोर। सो इसे कॉपी कर लेते हैं, इसे ऊपर जाके पेस्ट कर देते हैं, और उससे भी कॉपी कर देते हैं एक्सपेंड मोर को भी, कंट्रोल सी, और यहाँ जाके कंट्रोल भी कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले अपने को एक इमेज ऐड कर देते हैं। सो सोर्स, इसकी यूआरएल मेरे पास है, तो इसको कॉपी कर देते हैं कंट्रोल सी, एंड यहाँ आके कंट्रोल वी, और सेव इट। ओके, अब मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ वो बटन। सो कौन सा, एक्सपेंड मोर, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ ऑन क्लिक। ओके, तो जैसे इस पर क्लिक होगा, मैं क्या करूँगा, सेट ओपन का रिवर्स कर दूंगा। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कर दूंगा, और फॉल्स है तो ट्रू कर दूंगा। तो रिवर्स ऑफ ओपन। ओके, और इसमें अंदर एक चीज़ और ऐड करनी है। इसका डॉक्यूमेंटेशन पे मूव करके देखते हैं फिर से। ओके, यहाँ पे अरिया कंट्रोल्स। ओके, सो इसे भी ऐड कर देते हैं, अरिया कंट्रोल्स। ओके, इसको फिलहाल एम्प्टी रहने देते हैं, इसका क्या यूज बाद में देखते हैं। ओके, इसमें कोलैप्स ऐड कर देता हूँ, कोलैप्स। ओके, और इसे इंपोर्ट भी कर देता हूँ कोलैप्स को। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ओके, सो क्या इंपोर्ट करना है, अपने को इंपोर्ट करना है कोलैप्स। ओके, और ये कॉलैप्स एक आर्ग्यूमेंट भी लेता है, वो लेता है इन। ओके, अगर ये इन ट्रू रहेगा तो ये कॉलैप्स नहीं रहेगा, ये एक्सपेंड रहेगा, और अगर ये फॉल्स रहेगा तो वो कॉलैप्स रहेगा। तो ये सब हम ऑपरेशन ओपन के बेस पे करवाएंगे। और इसके अंदर मैं एक डिव ले लेता हूँ, जिसकी आईडी दे देता हूँ मैं कॉलैप्स, COLLAPS। ओके, और डिव को क्लोज कर देते हैं, और ये की आईडी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, क्योंकि जब इस पर क्लिक होगा तो सारे ऑपरेशंस इस डिव के ऊपर परफॉर्म करेंगे, तो इसकी आइडियाँ ऐड कर दी। ओके, सो इसके अंदर मैं एक H1 लिख देता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके,
और इसके अंदर मैं नीचे एक्सपेंड लेस का आइकन ऐड कर लेते हैं, एक्सपेंड लेस का आइकन ऐड कर लेते हैं, उसको सेव कर देते हैं और उसको npm स्टार्ट कर देते हैं। सो गाइज यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, तो इंपोर्ट कर देते हैं यूज स्टेट को। सो इसे इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं यूज स्टेट को। सो यूज स्टेट उसको इंपोर्ट करके सेव कर देते हैं, हो गया सेव। ओके गाइस, सो अपने को ये आइकॉन दिख गया है। ओके अब जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं ये एक्सपेंड, और इस पर क्लिक कर पे नहीं हो रहा। ओके तो इस पर भी इंप्लीमेंट करते हैं और पहले कुछ CSS ऐड कर देते हैं। ओके तो पहले CSS ऐड कर देते हैं, तो वेयर्स ऐप डॉट CSS। सो ऐप डॉट CSS पे चलते हैं। सो डॉट मेन डिस्प्ले फ्लैक्स करवा देते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन दे देते हैं, कॉलम दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं, सेंटर दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 100% और अलाइन आइटम दे देते हैं, आइटम्स दे देते हैं सेंटर, और हाइट दे देते हैं फिट कंटेंट। ओके ओके अब हम दे देते हैं इमेज पे भी, डॉट मेन के अंदर img, इसकी दे देते हैं हम विड्थ दे देते हैं 100%। ओके और आइकॉन्स पे दे देते हैं ये उनकी पहले से ही बनी हुई क्लास नेम होता है उनका svg फाइल का, वो svg फाइल्स होती है ये जो मटेरियल UI की उनकी एक डिफ़ॉल्ट क्लास होती है ये MUI svg icon.root। तो अपने वो इसकी मेन हाइट और विड्थ रखते थे 5 RAM और मेन हाइट रख देते हैं 5 RAM। ओके इसको सेव कर देते हैं। ओके इसको इंपोर्ट कर देते हैं यहाँ पर अब। सो इंपोर्ट वन डायरेक्टरी बैक app.css और सेव कर देते हैं। अब देखते हैं कैसा दिखता है ये, टाइम ले रहा है। सो गाइस ये एकदम सेंटर में आ गया और एकदम सही दिख रहा है। इस पर क्लिक कर रहे हो तो एक्सपेंड हो रहा है और हाइट, इस पर क्लिक करें तो हाइड हो रहा है, बट अपने को क्या इस पर क्लिक करें तब हाइड हो जाना चाहिए। ओके और एक बार इस पर क्लिक करने के बाद ये इमेज भी हाइड होना चाहिए। ठीक है तो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम क्या करते रहते हैं थोड़ा और ऐड कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब इस पर भी ऑन क्लिक ऐड कर देते हैं, ऑन क्लिक, सो ऑन क्लिक ऐड कर देते हैं इस पर भी। सो सेट ओपन रिवर्स ऑफ ओपन, ओके और उसमें भी सेम टू सेम एरिया कंट्रोल्स, कंट्रोल्स इक्वल टू IDCOAP कोलैप्स। ओके इसको सेव कर दिया, लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं करता। इस पर क्लिक किया एक्सपेंड हो गया, इस पर क्लिक करे हाइड हो गया। ओके बट अपने को जैसे इस पर क्लिक मारे तो ये दिखना नहीं चाहिए, ये हाइड हो जाना चाहिए, और जैसे इस पर क्लिक मारे ओके ये सही है, तो ये वाला नहीं दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम करते हैं ये कब दिखे, जब ओपन ट्रू हो। ओके सो ओपन फॉल्स हो तब ये सिर्फ दिखे, तो इसके अंदर ऐड कर देते हैं जब ओपन ट्रू होगा तो दिखेगा ये, सॉरी फॉल्स होगा तब दिखेगा। ओके लेट्स सी इसको रिफ्रेश कर देते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो गया, और इस पर क्लिक करते हैं तो ये हो गया, फाइन सही काम कर रहा है।